गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे अवर सब्जेक्ट इज इंग्लिश। यू विल ओपन पेज नंबर 97, कैट स्लीप एनीवेयर। इट्स अ वंडरफुल पोएम, यू विल लव इट। आई नो, आई रीड दिस, यू विल आल्सो रीड एंड एंजॉय एंड आल्सो लर्न। ओके, फर्स्ट आई रीड, यू विल लिसन। कैट स्लीप एनीवेयर, एनी टेबल, एनी चेयर, टॉप ऑफ द पियानो, विंडो लेज, इन द मिडल, ऑन द एज, ओपन ड्रॉयर, एम्प्टी शू, एनी बॉडीज लैप विल डू, फिटेड इन अ कपबोर्ड, इन अ कपबोर्ड, विथ योर फ्रॉक्स, एनीवेयर, दे डोंट केयर, कैट स्लीप्स एनीवेयर। कैट स्लीप्स एनीवेयर, यहाँ पे कैट के बारे में बोला गया कि कैट कहीं पे भी सो जाते हैं। एनी टेबल, एनी चेयर, किसी भी टेबल पे, किसी भी चेयर पे, टॉप ऑफ पियानो, विंडो लेट, पियानो के ऊपर सो जाते हैं, विंडो का जो ऊपर होता है वहां सो जाते हैं, इन द मिडल, ऑन द एज, ओपन ड्रॉयर, एम्प्टी शू, एनी बॉडीज लैप विल डू, कोई भी ड्रॉयर खुला होता है उसके अंदर सो जाता है, कोई बैठा होता है उसकी गोदी पे सो जाता है। फिटेड इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, कोई भी कार्डबोर्ड बॉक्स में वो फिट हो जाता है, इन अ कपबोर्ड, विथ योर फ्रॉक्स, कोई भी कपबोर्ड में तुम्हारा फ्रॉक्स के साथ भी वो सो जाता है। एनीवेयर, दे डोंट केयर, कैट स्लीप एनीवेयर, वो लोग कभी कुछ केयर नहीं करता है, वो लोग कहीं पे भी सो जाता है। ओके, तो ये पोएम बहुत अच्छा है, आप लोग इसको पढ़ो और इंग्लिश की नोटबुक में ये पोएम को एक पेज में आप लोग लिखो, अच्छा से हेडिंग देके, और एक पेज में आप लोग कैट का कुछ भी ड्रॉ करो, ये भी आप कर सकते हो ड्रॉ, अगर आपको आएगा तो। इफ पॉसिबल देन यू कलर इट एंड ड्रॉ इट, इफ नॉट पॉसिबल देन यू ड्रॉ एनीथिंग अबाउट कैट, कैट का कोई भी पिक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो अच्छा से। ओके, एंड कलर इट एंड सेंड मी इट। ओके, थैंक यू।